अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको ये लगता है कि हम इबादत नहीं करते इसलिए सारी परेशानियां हैं? ऐसा नहीं है। हमारे अमाल आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। झूठ, गीबत, चुगली, बोहतान बहुत आम हो चुका है। बेहयाई आम हो चुकी, बेपर्दगी आम हो चुकी है, बदनिगाही आम हो चुकी है। हम हराम को हराम नहीं समझते, गुनाह को गुनाह नहीं समझते। माँ बाप के हुकूक, भाई बहन के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक भूल चुके हैं, उसने अखलाक भूल चुके हैं। और ये बोलते हैं कि ये तो हम इबादत नहीं करते इसलिए सारी परेशानियां हैं। अरे हमने उलमाओं की इज्जत छोड़ दी है, हमने बुजुर्गों की इज्जत करना छोड़ दिया है, अपने बड़ों से बदतमीजी करते हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। हम बुजुर्ग जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उलमाओं की इज्जत नहीं करते। हम खुद मुफ्ती बने बैठे, आलिम बने बैठे हैं। कोई फतवे की बात होती है, कुछ होती है, हम खुद देने तैयार हैं। कोई मसला फंसा, हम खुद आलिम बन गए। आलिमों से राबता नहीं करेंगे, दूरी बनाए रहेंगे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम रिश्तेदारी तोड़ देते हैं, छोटी सी बात होती है हम रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। शौहर बीवी को छोड़ने को तैयार हो जाता है, बीवी शौहर को छोड़ने को तैयार हो जाती है, भाई बहन को छोड़ने को तैयार हो जाता है। हक मार के बैठे एक दूसरे का और कहते थे इबादत नहीं करते इसलिए सारी परेशानियां हैं। हम अमल से बहुत दूर हो चुके हैं। कहते हैं ना, वो जिनको बुजुर्गों की रिवायत न रहे यार, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन मोमिन की ढाल है। आज मुसलमानों को मुसलमानों से सबसे बड़ा खतरा है। हम कहते हैं हम इबादत छोड़ दिए इसलिए सारी परेशानियां आती हैं। हम गुमराह हो चुके हैं। हमें समझना चाहिए, सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आइए अपने बुजुर्गों को बताए रास्ते पर चलें, उलमाओं की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, धोखा देने से बचें, झूठ बोलने से बचें, रिश्ता तोड़ने से बचें। रिश्ते तोड़ने का बहुत बड़ा हुक्म है कि रिश्ते को बचाए रखें, तोड़े मत। मगर आज बहुत आसानी से रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। हुस्ने अखलाक तो खत्म हो चुका है हम लोगों में से, और कहते हैं सारी परेशानियां सिर्फ हमारी इबादत ना करने की वजह से है। आइए अपने अमाल को अच्छे करें, गुनाहों से बचें और इबादत में लगें। उलमाओं से राबता करें, बुजुर्गों से राबता करें, बुजुर्गों की किताबें पढ़ें, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे उनके चलें, तभी जाके सारी परेशानियां खत्म होंगी। मगर ये भी हकीकत है, कयामत आनी ही है, इससे तो कोई बच नहीं सकता। इसलिए अपने अमाल बेहतर करते रहें, बाकी सब अल्लाह ताला करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।